In an exclusive interview with NNIS, JDU leader Ali Anwar today said that the Sri Lankan fishermen issue is sensitive and the BJP government should tackle it properly. लंका का मामला, मछुआरों का मामला ऐसा है सेंसिटिव मामला कि उसकी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया अपने देश के कई हिस्सों में होती है, कई राज्यों में होती है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को, यही बीजेपी के लोग पहले अगर इस तरह की घटना होती थी तो भाई तोबा मचा देते। अब तो सरकार में है, मजबूत सरकार है, तो इनको इसको टैकल करना चाहिए। ये बहुत दुखद बात है, उल्लंघन सीज फायर का, हमारे जवानों का शहीद होना, हमारे सिटीजन का मारा जाना। दरअसल देखिए, वहाँ के हालात बहुत ख़राब, जो बाघा बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। उनकी सरकार का तो मैंने लेस कंट्रोल है, और आर्मी में भी पेंट्रेशन है दहशतगर्दों का, तो बड़ा कम्प्लेक्स मामला है। अब पता नहीं कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब उसको सबक सिखा दिया गया है, फिर हिम्मत नहीं करेगा हिंदुस्तान की तरफ देखने का, और उसके बाद भी तमाम घटनाएं होती हैं। तो अब तो ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। पावर्ड बाय NNIS।